अब यहाँ पर है ना बेडशीट जो है ना मैं वो अच्छे से बिछा देती हूँ, क्योंकि ये उलट पुलट हो रही है, बच्चों के साथ में ऐसा रहता है, इसको अच्छे से सेट कर देती हूँ। और बच्चे गए हैं ट्यूशन या आईने का कवर भी ऊपर करके चले गए, तो यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है बेड। वीडियो अगर कुछ अलग तरीके से शूट करे तो बड़ा प्यारा लगता है। बेड है ना एक दो दिन के बाद चेंज करूँगी, बेड का रुख जो है ना तो उसी साइड कर दूँगी। और ये यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ छत पर, कुछ कपड़े पड़े हुए थे, कपड़े बिना धुले मेरा काम नहीं चलता, अगर मैं कपड़े ना धुलूँ तो अगले दिन के लिए बहुत हो जाते हैं। मैं वॉशिंग मशीन जो है ना वो उठा के रखूँगी, अब जब बाहर रखी हुई है ख़राब हो जाएगी। अब तो वैसे भी गर्मी होने लगी है, धूप अच्छी निकलती है, थोड़ी सी देर के बाद ही कपड़े सूख जाते हैं, तो बस अभी उसको क्या करना है, सर्दियों में काम आ जाएगी, अभी उसको उठा के रखना है। तो फिलहाल यहाँ पर है ना चादर डालने के लिए आई थी, छत पे ईंट ही रख दी, थोड़ी सी डंडी साइड से रख दी जिससे ये ना गिरे। मैंने पंछियों के लिए रोज़ पानी रख देते हैं छत पे, तो यहाँ पे पानी रखा हुआ है, और यह है कि पंछी पीला कुछ दाने वगैरह डाल देते हैं, रोज़ तो नहीं कभी कभार क्योंकि रोज़ याद नहीं रहता। वैसे नहा के रोज़ ये काम किया करूँगी, फिर जब मेमोरी में रखूँगी तो फिर एक दिन करूँगी दो दिन करूँगी फिर आदत हो जाएगी। बच्चे आ रहे थे ट्यूशन में से, अरु और कायरव भागे भागे आ रहे थे, पीछे अब नहीं आ रही थी, तो मैं देख रही थी कि मेरे बच्चे जो है ना ट्यूशन में से आ चुके हैं। और अरु को भी मैं यहाँ पे, इतने अरु है उसको भी ट्यूशन भेज रही हूँ, कुछ सीख लेगी, घर पे मेरे पास ही रहने से क्या फ़ायदा है, दो अक्सर आएंगे दो चीज़ें समझेगी। और ये देखो है ना मौसम अजीब अजीब सा लग रहा है, पर बहुत कड़ी धूप हो रही है, हवा हल्की हल्की हवा है, हवा रहती है तो फिर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, वरना गर्मी इस कदर बनी हुई है, तपन हुई रहती है। आगे आगे तो और भी ज़्यादा पड़नी है, परेशान हो जाना है। और यहाँ पे ना रसोई की जो स्लेब की पन्नी है वो मैंने धोनी है, और स्लेब जो है ना साफ़ करना है, मैं इसको स्लेब को आज साफ़ कर लेती हूँ, इसकी पन्नी उतार ली थी मैंने, तो आधी पन्नी जो है इसको मोड़ के डालूंगी और जो बड़े वाली है उसको भी डालूंगी। तो वॉलपेपर मैंने ऑर्डर करके रखा हुआ है, लेना पड़ेगा, पता नहीं कब तक आएगा, अभी उसमें आने में टाइम है। वैसे मैंने एक वॉलपेपर ऑर्डर कर दिया है जिससे दीवार ख़राब। का समय हो गया है और मंदिर में आरती बज रही है, घर पे बच्चे ट्यूशन से आ गए थे, अब टीवी देख रहे हैं। मैंने थोड़े से कपड़े धुले हैं, मतलब मेरा ये है ना, मैं ना धुलती ना तो सुबह तक बहुत हो जाते हैं, वही है मैं कहती हूँ ना, और रात की हुआ है सुबह की कोई गारंटी नहीं। पेट में बहुत दिक्कत हो रही है, मौसम ख़राब हो रहा है, खाना टाइम से बनाते हैं, फिलहाल मुझे नहा के आना पड़ेगा। और मेरा BP है ना बिल्कुल लो चल रहा है, नीचे का 60 था ऊपर का ही है, और डॉक्टर कह रहे हैं सबसे ज़्यादा कम है, वो सब खाना बना के फ्री हो जाएंगे, फिर लेटूंगी थोड़े से, कोड़ा प्रेस करनी है प्रेस करूँगी, या तो काम से तो पच्चा छूटता नहीं चाहे कुछ भी हो। फिलहाल नहा के आती हूँ, उसके बाद देखूँगी और जो काम होगा बाद में। स्नान करने जा रही हूँ मैं, मेरे पानी लगा रखा गर्म, ठंडे में नहाऊंगी अब, जब उससे गर्म में नहाऊंगी। आज तो बस कैमरा उठाया बराबर ही रहा, मन नहीं कर रहा था कैमरा उठाने का, वीडियो बनाने का, पर बनानी तो पड़ती है, नहीं करूँगी तो फिर आगे का भी तो सोचना पड़ता है, महीने की स्टार्टिंग है, अब ऐसे भी नहीं छोड़ सकते चीज़ों को। तो देखो मौसम साफ नहीं, बारिश भी हो सकती है। मैं इतनी बिगड़ी तबीयत की, मेरा बहुत बुरा हाल था, ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा किसी ने दम घोट दिया हो, मेरी सांसें रोक दी हो, और बहुत बेचैनी मुझे, मैं बार बार लौट रही, बार बार बैठ रही, मेरी हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने सोचा मैं क्या करूँ, कॉफ़ी मैंने पी ली, कुछ भी आराम नहीं हुआ, चटपटी चीज़ खा ली, बिल्कुल भी आराम नहीं लग रहा, बहुत हालत ख़राब हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी सांसें रुक जानी है, आज तो बस ज़िंदगी अटक सी गई है, बहुत दिक्कत हो रही थी। और ऐसा नहीं है कि मैं वॉशरूम जाके नहाऊँ ना, मुझे गोपाल जी का करना होता है, मैं बच्चों के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकती, तो मैं नहाती हूँ, ये देखो अपने दिखा रही थी, मेरी बहुत बुरी हालत हो रही थी। आपसे बात कर अभी डॉक्टर आया था, इंजेक्शन लगा गया है, BP कुल ही 80 हो रहा है, बेहिसाब कम हो रहा है, कुल 80 का मतलब एकदम हद से ज़्यादा डाउन। मुझे पता था जब मैं यहाँ कस्बे में गई डॉक्टर के यहाँ तो मेरा 60 निकला और अब 80, तो डॉक्टर कह रहे हैं तभी इंजेक्शन लगना था जब इतना कम था, अभी क्या अभी इंजेक्शन लगा गया, हालत अब दिन से ही ख़राब है, थोड़ी सी लापरवाही मुझे मेरी नुकसान देगी, मैं ना खाती ना BP डाउन होता ना तबीयत बिगड़ती ना पेट में परेशानी होती। अब दवाई दे गया, दवाई खानी है थोड़ी देर के बाद, ये डॉक्टर के गया वो टैबलेट। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राम राम जी, कैसे हो आप सभी, उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। रात में इतनी तबीयत बिगड़ी, इतनी तबीयत बिगड़ी है, ऐसा लगा कि सांसें उधार हो गई हैं, चंद सांसें लेना मुश्किल हो रहा था। और बताऊँ क्या, मैं आपको क्या हुआ ब्लॉग में ही बता दूँगी, इतना बुरा हाल। मैंने
लगता था कि बस आज प्राण नहीं रहेंगे, शरीर से प्राण निकल जाएंगे, इतनी बुरी स्थिति हुई। मैं बहुत कोशिश कंट्रोल ही रहा कि ठीक हो जाऊँ, नहीं बुलाऊँ डॉक्टर को मजबूरी में, फिर रात गई ही बुलाना पड़ा। जाएगा ब्लॉग उसमें आप लोगों को दिखी जाएगा। फिलहाल तो मैं ना चाय बना रही हूँ, किचन में बैठी हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा किसी चीज़ को करने का। पर रोज़ रोज़ बच्चों के ऊपर काम में नहीं छोड़ सकती, छोटे बच्चे हैं, उन्हें इतना प्रेशर नहीं बना सकती। और आज 2 अप्रैल हो गया है, मुझे बच्चों के एडमिशन के लिए भी जाना था, हिम्मत ही नहीं हो रही है। अब तो यहाँ से यहाँ तक पाँव उठाने की हिम्मत नहीं हो रही, देखेंगे कैसे करेंगे। अब फिलहाल उठ के तो आई थी, नहा धो के पूजा वूजा करूँगी, जब देखते हैं ब्लॉग में क्या बनाना है। सब्जी उब्जी भी नहीं है आज तो, कुछ दाल ही है बस। तो सब्जी भी बनानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कोई सब्जी वाला आएगा तो सब्जी भी लेनी पड़ेगी। कहें का जीसा नहीं बना, 3 दिन से तबीयत खराब चली, 3-4 दिन से हल्के में लेती रही, चल के अंधेरी आती चक्कर आते, सोचा ऐसे ही हो रहा, एम ही हो रहा, ठीक हो जाऊंगी। पर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हालत ख़राब ही हो गई। चलिए आपसे थोड़ी देर के बाद बात करती हूँ। डब्बे में चिल्ली घाल लगा, चिल्ली ख़त्म हो रही है, थोड़ी सी लेके आए। जब मार्केट जाऊँ तो छोटे मोटे काम तो कर लूँ, पर चीनी तो ले आई पर सब्जी नहीं लाई, हिम्मत ही नहीं हुई। रुकी भी तो क्या बताऊँ आपको, 1-2 सेकंड में रुकी, वो भी मुझे बच्चों के सहारे से गई, अभी मेरी हिम्मत भी नहीं थी। फिलहाल चीनी डब्बे में डाल के धंधे चीनी जो है वो डब्बे में डाल के रख देती हूँ, लेके आई थी थोड़ी सी ख़त्म हो रही थी, घर का भी देखना पड़ता है। मेरे सामने तो ऐसी कंडीशन है कि चाहे किसी भी हाल में रहूं काम करना ही करना है। मम्मी ने बोला जब इतनी तबीयत ख़राब चल रही है तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा, तेरा सारी गर्मी ऐसे ही बीपी डाउन रहेगा, तेरा बीपी जो है ना अक्सर डाउन ही चलता है, और अभी ऑपरेशन में से उठी है, 6 महीने 6 महीना लग रहा है, ऐसे लापरवाही मत कर, अपने बीपी की दवाई ले, किसी दिन जान खो बैठेगी, इतना कम हो जाता है कि किसी बड़े डॉक्टर को दिखा, ट्रीटमेंट ले, पता कर इतना बीपी क्यों घट रहा है, पता नहीं 3-4 दिन से बराबर ही घट रहा है, कॉफ़ी भी आराम नहीं कर रही है, हल्का मलका बढ़ता है, बिना इंजेक्शन के काम ही नहीं चलता। यहाँ पे ना बच्चे जो है ना सिंगवाने में लगे थे अपनी, और जो कंबल की तय बना रहे थे कायर वगैरह में, इसको यहाँ पे सिंगवा दो, मैंने कहा नहीं बेटा यहाँ पे नहीं रखा जाएगा। बच्चों ने ना बेड अच्छे से साफ करा, फिर गद्दे जो है ना चेंज कर दिए कि मम्मी नेडे उड़ डालते हैं, मैंने कहा जैसा मन करता है कर लो, मुझसे तो आज हो ही नहीं रहा, पर फिर भी मैं बच्चों के साथ लगी हुई थी क्योंकि छोटे मोटे काम बच्चों ने कर दिए, बाकी मुझे ही करने हैं। मुझे जल्दी ही दवाई करानी पड़ेगी बीपी की, नहीं तो फिर आने वाले टाइम में मैं कैसे कर पाऊँगी। और मेरे हालत की वजह से बच्चों के लिए स्कूल तक भी मुझसे नहीं जाया जा रहा, और देखती हूँ 1-2 दिन के बाद जाऊँगी कुछ है ना, अभी थोड़ा सा वेट कर रही हूँ मैं किसी चीज़ का, और 1-2 दिन के बाद इनके एडमिशन कराने हैं, बस एक एक दिन। बस अभी यहाँ पर मैं अपने किचन में लगी हूँ, मुझे थोड़ा सा काम जो है ना किचन में करना था, और ये मेज़ वगैरह साफ़ करना, बर्तन लगाना, ये बच्चों के काम नहीं है, ये मेरा ही काम है। मैं अपनी मेज़ को अच्छे से साफ़ करके जो कवर डाल देती हूँ, दूसरा बर्तन लगा देती हूँ, ये छोटे छोटे काम जो हैं ये मेरे ही हैं, ये बच्चों के नहीं हैं। और मान लीजिए उन्होंने कर दिया, बेडशीट वगैरह डाल दी, डस्टिंग वगैरह कर दी, झाड़ू वगैरह लगाते हैं, पर मैं खुद से निकालती, मेरी तसल्ली नहीं होती, डस्टिंग के बाद मुझे देखना होता है, ये बर्तन वगैरह टोकरे के जो है ना ये लगाने थे मुझे, तो इन सब का काम मैं ही करती हूँ। वगैरह के बर्तन जो है ये भी अच्छे से लगाने हैं, नीचे का काम देखना है, बास्केट इधर मैं मेज पे लगा देती हूँ, उधर से हटा के सामान थोड़ा सा इधर से सेट कर दिया, और अभी जो है रूम में झाड़ू निकालनी है मुझे,
तो यहाँ सबसे पहले जो सॉरी रूम में झाड़ू निकाल दी थी, किचन में जो है ना कूड़ा लग रहा है, मतलब बाहर नहीं निकल पाता ऊंचा होने की वजह, तो इसको यहीं से इकट्ठा करके मैं उठा ले यहीं के यहीं सारा इकट्ठा करा और उठा लिया, क्योंकि बाहर निकालने में फिर ऊपर को सफ़ेद ऊँची हो गई तो नहीं जा पाता है, तो मैं यहीं से ही उठा लेती हूँ सारा का सारा और इसको बाहर जो है ना कूड़ी पर डाल दूँगी। किचन में मैं सोच रही हूँ कुछ करने के लिए या फिर कुछ करवाने के लिए, अब थोड़ा टाइम लग सकता है, अभी मेरे तो पर्दे भी नहीं लगे क्योंकि मुझे पहले बच्चों के लिए देखना है, पर्दे तो 1-2 महीना नहीं लगेंगे, चल जाएगा, और भगवान ने चाहे सब अच्छा रहा तो पर्दे भी शायद जल्दी लग जाए, पर जो पहले अहम काम है ज़रूरी बच्चों का वो मुझे करना है। तो धूप बहुत ज़्यादा कैडी हो रही है, तबीयत अभी भी कम साथ दे रही थी, पर काम करे बिना नहीं बिचेगी मेरी, क्योंकि मैं बच्चों के भरोसे बैठ नहीं सकती, छोटे हैं वो, उनसे इतना काम करवा भी नहीं सकती, अपनी जिम्मेदारी पे ही सारा काम करना पड़ेगा। तो घर में जब कोई नहीं होता ना, अकेले आदमी को बड़ी मुश्किल पड़ती है, और जब हमारा शरीर साथ नहीं देता तब तो हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। और इधर भी है ना, जहाँ पे ये सीमेंट डलवाया हुआ है हमने, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा झाड़ू लगा गया ना, सारा कूड़ा इकट्ठा करके यहीं के यहीं उठा लूँगी। और बाबू जो है वो झूले में झूल रहे हैं अपना आराम से मस्ती से, ये भी लग रहा था काम में, जब इसे दिखता है ना मम्मी आज डांटेगी या फिर मम्मी की तबीयत सही नहीं है, तो ये भी लग जाता है मम्मी ये सिंगवा दूँ वो सिंगवा दूँ, मैंने कहा मैं अपने आप सिंगवा लूँ। इधर भी देखो कितनी मिट्टी हो रही है, बाहर से खेलने की सोच रहे थे तो इतनी हवा चल रही है, सारा कूड़ा उड़ उड़ के वापस आ रहा है, उधर तो नहीं लगेगी, जितने की पैड़ी है आसपास का जितना भी है सारा इकट्ठा करके उठा लूँगी। मन कर दूं? नहीं कर दूं? ठीक है। अगर तुम तो ये बुरे बनाओ, अगर तुम तो खाना खाओ, अगर तुम तो बुरे कलर तो करो, छोटी कार चलियो ठीक है? छोटी का घर चल लो, वही लगेगा तो पार्टी। ओके चलो। नए पत्ते आने शुरू हो गए, सूखी डाली है ना ये ऊपर से देखो सूखी है, जैसे तोड़ देते हैं, तोड़ दियो टूट गई और डाली, उसमें नया पत्ते निकलने शुरू हो गए, कितने प्यारे लग रहे हैं छोटे छोटे। ये छोटे छोटे पत्ते ही बड़े होते हैं, तो छोटे छोटे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे पत्ते बड़े होते हैं, ये ना ये पता नहीं अजीब से लुल्लू लग गया इन पर, सारे पेड़ को खराब कर देते हैं, बड़े प्यारे लग रहा है। अब की बार लगता है आम आ जाएंगे थोड़े बहुत, तो नया मूल नए पत्ते, इन दिनों है ना सपने भी बहुत दिखते हैं, क्योंकि जब नए पत्ते आते हैं तो सपने आते हैं, नींद आती है बहुत दबा के। और हमारे घर पे है ना अभी कबूतर भी बैठ रहे हैं जगह तक, पता नहीं टावर में बैठते थे अभी इधर बैठ रहे हैं, इधर उड़ते हुए देखती तो कहीं ना कहीं बैठने की जगह बना रहे हैं। तो चलिए फिलहाल पानी गर्म लगा देते हैं, और एक बार मोटर चालू करके ना थोड़ा सा पानी भर के रख लूँ, टब भर लेती हूँ, क्योंकि मोटर है ना 5 मिनट चलने के बाद गर्म होकर बंद हो जाना है, फिर पानी के लाले पड़ जाने हैं, ऐसा करती हूँ अभी चालू करके भर लेती हूँ।